नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित भारतीय सेना की जैसलमेर जिले में स्थित किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में आज बड़ा हादसा हो गया। यहां मोर्टार का गोला फटने से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान की मौत हो गई, वहीं 8 जवान घायल हो गए। घायलों को रामगढ़ के अस्पताल लाया गया है। हादसे के शिकार हुए जवान BSF पंजाब फ्रंटियर के हैं। हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया। हादसे में जान गंवाने वाले जवान की शिनाख्त संदीप कुमार के रूप में हुई है। किशनगढ़ फायरिंग रेंज भारत पाक बॉर्डर पर तनोद के पास स्थित है। यहां लगातार अभ्यास चलता रहता है। रविवार को भी BSF के जवान नियमित अभ्यास में जुटे हुए थे। इसी दौरान सुबह यह हादसा हो गया। हादसा होते ही वहां एक बार की अफरा तफरी मच गई और घायल जवानों को तत्काल समीप स्थित रामगढ़ के अस्पताल ले जाया गया और वहां उनका इलाज शुरू किया गया। काफी दूर तक उछल कर जा गिरे जवान। जानकारी के अनुसार फायरिंग रेंज में अभ्यास के लिए आए जवान सर्दी के कारण वहां साफ जगह देखकर अलाव जलाकर तापने लगे। उन्हें नहीं पता था कि उसी के नीचे जीवित बम दबा हुआ है। कुछ ही देर में आग की गर्मी जमीन में दबे बम तक पहुंच गई और उसमें जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि जवान काफी दूर तक उछल कर जा गिरे और वहां अफरा तफरी मच गई। हादसा होते ही साथी जवानों ने घायलों को संभाला और सभी को एम्बुलेंस से रामगढ़ अस्पताल पहुंचाया। हादसे की जानकारी मिलने पर BSF के आला अधिकारी रामगढ़ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने हादसे की जानकारी लेकर घायलों का बेहतर उपचार करवाने के लिए जैसलमेर भिजवाया। सूचना पर रामगढ़ थाना अधिकारी चुन्नीलाल विश्नोई भी पुलिस फोर्स के साथ अस्पताल पहुंचे और हादसे की जांच शुरू की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।